Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. जैसा तो आपने है जो टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन बात करेंगे कुछ स्पेशल चीज़ें के बारे में जो कि आप यहाँ पर देख के आए हो. सबसे बड़ी समस्या एक स्टूडेंट को तब हो जाती है जब उसकी टेंथ और या फिर ट्वेल्थ की मार्कशीट को लेकर, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, मैं स्पेशली एक बोर्ड की बात भी नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपका एस पी बोस हो, बी एस ई बी हो, आर बी एस सी हो, सी बी एस ई हो, पी एस ई बी हो, जो जे एंड के हो, जो भी एक्स वाई जेड, तो उसमें है जो टेंथ या फिर ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है उसमें अगर कहीं किसी प्रकार की है जो मिसपेल्ट हो जाता है या फिर डिजिट में है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको फिर अपन है जो करेक्शन करवाने के लिए करते हैं. और काफ़ी सारे बच्चे तो हैं जो लगभग अप्लाई भी करते हैं लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है. और लगभग रेस्पॉन्स नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि रेस्पॉन्स नहीं आता, लगभग काफ़ी लंबे वक्त तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक है जो उनकी तरफ से है जो रेस्पॉन्स नहीं आता है बोर्ड की तरफ से. तो ऐसे में है जो स्टूडेंट करे तो क्या करे, तो इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लगते हैं या फिर जो भी उसके साथ अटैच होता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो है जो, चाहे आपकी हो सकता है आपके नाम में मिस्टेक हो, नेम में, या फिर आपके मदर्स नेम में, या फिर आपके फादर्स के नेम में, या फिर है जो और भी किसी प्रकार की सेशनल प्रॉब्लम भी आ जाती है. जैसे आपने है जो 2022 में अगर आपने टेंथ या फिर ट्वेल्थ जो भी आपने क्लास की है, तो फिर उसमें है जो सेशनल प्रॉब्लम उसमें 21 आ गया, या फिर है जो मार्क्स को लेकर भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने है जो रिवोल्यूशन रिचिंग का फॉर्म भरा था उसमें कुछ और है और ओरिजिनल मार्कशीट में कुछ और है, तो ऐसे में भी बच्चा है जो बड़ी प्रॉब्लम आती है. जिसके अलावा जैसे किसी भी प्रकार के अपन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, तो फिर तैयारी के बाद एक न एक दिन तो है जो सफलता बच्चे को मिलती है, तो उसके बाद है जो इन द एंड ऑफ द स्टेज उसमें है जो एक वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन में है जो मार्कशीट के लेकर जो भी आपकी डिटेल्स है, मैं स्पेशली मार्कशीट की बात तो यहाँ पर कर ही रहा हूँ, बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी है जो आपके सेम मैच्ड डॉक्यूमेंटेशन आपके होने चाहिए. और लगभग है जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट में है जो गलतियाँ रहती है, तो उनको है जो सुधारने के लिए है, या तो आपको वहाँ पर ऑफलाइन है जो विजिट करना पड़ता है रीजनल ऑफिस में, या फिर है जो अगर जाते भी हो वहाँ पर, गैजेट भी अगर निकलवाते हो तो फिर वहाँ पर फिर भी है, जैसे मान लो किसी बच्चे के है जो 16 को ही है, मतलब बहुत जल्द ही उसको है जो वेरिफिकेशन की उसकी डेट है, तो ऐसे में है जो बच्चा करे तो क्या करे. हालांकि CBSE अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस अब फॉलो कर रही है, लेकिन फिर भी है जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं, एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उनकी मार्कशीट उनको नहीं मिल पाना, ये एक सबसे बड़ा इश्यू है. तो इसका एक सोल्यूशन तो है जो ये है कि है जो अगर आपको फिर भी है जो किसी के थ्रू है जो अगर अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, तो नीचे है जो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए जाएंगे, वहाँ पर है जो जाकर अपना पूरा का पूरा इश्यू है जो आप बता सकते हो कि आपकी मार्कशीट में किसको लेकर प्रॉब्लम है और सेशन कब का था और आपका बोर्ड कौन सा है. तो ये एक यूनाइटेशन के अकॉर्डिंग है जो आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी, और जिस प्रकार की भी जानकारी है जो आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये सब सारा सब कुछ पूछ सकते हो, आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी, बिकॉज दैट्स योर करियर. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.